Family. There he goes again. That's it. ठीक ठाक है, आज की वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच। क्या ही टेस्ट मैच था यार ये, इसको टेस्ट मैच इतनी जल्दी 20-20 नहीं खत्म होते जिस तरह इनकी इनिंग्स खत्म हो रही थी। पहले दिन के अंदर जो है 23 विकेटें गिरी, पहले साउथ अफ्रीका 55 पे आउट हुई, उसके बाद इंडिया जो है वो आउट हो गई, 10 की 10 विकेटें उनकी 153 पे गिर गई, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका के फिर तीन प्लेयर्स आउट हो गए। पहला दिन जो होना था होना था, दूसरे दिन में टेस्ट मैच ही खत्म हो गया। फिर कहानी इस तरह शुरू होती है, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की, बैटिंग क्या की इन्होंने, सिर्फ तकल्लुफ ही किया आने का, और 55 रन्स पे होल्ड पूरी टीम जो है उनकी आउट हो गई फर्स्ट इनिंग्स के अंदर साउथ अफ्रीका की। सिराज ने मेन रोल प्ले किया, 6 विकेटें ली पहली इनिंग के अंदर साउथ अफ्रीका की, और इंडिया जो है बैटिंग पे आ गई। खैर इंडिया का डगमगाता सा स्टार्ट था, इंडिया ने स्टार्ट लिया करते 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 153 फॉर 5 तक जैसे ही ये पहुंचे हैं ना, इनको लगा ओ हो ये क्या कर दिया हमने, ये तो टेस्ट मैच थोड़ा लंबा होने लगा है, हम तो रिकॉर्ड बनाना था कि यार सबसे छोटा टेस्ट मैच है। 153 पे जैसे ही पांचवा आउट हुआ है उसके बाद पीछे लाइन लग गई है और एक 153 फॉर 10 हो गया। साथ ही साउथ अफ्रीका के जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने 9 विकेटें ली पहली इनिंग के अंदर, जो कि उसी दिन ही हुई थी जिस दिन साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग खेली थी। रबाडा, निगेडी और बर्गर तीनों ने 3-3 विकेटें ली और एक विकेट जो है वो उनके स्पिनर ने ली। खैर इसके बाद स्पिनर ने नहीं सॉरी रन आउट हुआ, सिराज जो है वो रन आउट हो गया। उसके बाद जो है इंडिया उसने साउथ अफ्रीका की बारी आई सेकेंड इनिंग अपनी खेलने की, 3 विकेटें तो इन्होंने खैर पहले दिन ही गिरा दी, लेकिन एडन मकरम जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 103 बॉलों पे 106 बॉलों पे 103 रन बनाए उन्होंने, और जो है हाईएस्ट स्कोरर रहे इस टेस्ट मैच के भी। ये स्कोर थे, दूसरी तरफ जो दूसरा एंड था उस पर वो पुरानी रूटीन कंटिन्यू रही, और इन 176 रन के टारगेट में जो टारगेट नहीं सॉरी सेकेंड इनिंग का स्कोर था उसके अंदर 106 रन जो है वो एडन मकरम के थे और बाकी पूरी टीम के 70 रन थे, तो पहले वाली रूटीन ही उन्होंने कंटिन्यू रखी और ज्यादा नहीं किया। इंडिया जो है उसके बाद रिप्लाई में आया इंडिया, और हाँ जो 176 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हुई है इस पर सिराज ने 6 विकेटें ली है, वो सॉरी बुमराह ने, सिराज ने पहले 6 विकेटें ली इस एंड उस, और उसी एंड पे पहले बुमराह लड़ता रहा कि मैंने बॉल करनी है मैंने बॉल करनी है। खैर रोहित ने कहा यार ये ले जी ले अपनी जिंदगी, और सेकेंड इनिंग में उसको उस एंड से बॉल दी और उसने 6 विकेटें ले ली। ये दोनों बॉलर जो इंडिया के स्पीयर हेड्स हैं, तो एक ने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली, एक ने दूसरी इनिंग में 6 विकेटें ली। रिप्लाई में इंडिया ने 80 रन स्कोर किया और उनके सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए। इस मैच के अंदर जो है काफी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रेक हुए टेस्ट मैच के। बॉल्स के एतबार से ये सबसे छोटा टेस्ट मैच था टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। 55 रन जो स्कोर हुए हैं इंडिया के खिलाफ, ये किसी भी टीम का लोएस्ट स्कोर है जिसने इंडिया के खिलाफ स्कोर किया है, नहीं तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप हमेशा जो है मार खाने के एतबार से जानी जाती है, कभी भी आउट करने के एतबार से नहीं जानी जाती। तीसरा 7 प्लेयर जो है इस टेस्ट मैच में 0 पे आउट हुए हैं, ये तो खैर आपको अंदाजा हो ही गया होगा जब पहले दिन एक दिन में 23 विकेटें गिरी हैं और बाकी जो है अगले दिन आधे में ही गिर गई हैं, तो डेफिनेटली कुछ हीरो ने काफी जगमगाती सी परफॉर्मेंस दिखाई होगी, और ये उसका सबूत है कि पूरे टेस्ट मैच में 7 प्लेयर इस तरह के हैं जो 0 पे आउट हुए हैं, जिनमें से 5 जो है वो बल्कि 6 जो है वो इंडिया के हैं। साउथ अफ्रीका का बेचारा एक प्लेयर था जो इस तरह आउट हो गया। खैर ये टेस्ट मैच तो यार इसी तरह ही गया कि बस इधर शुरू हुआ और आप जब अगले दिन उठे हैं सो के तो पता लगा टेस्ट मैच ही खत्म हो चुका है। तो आजकल के टेस्ट मैच तो खैर इसी तरह चल रहे हैं, ना इस पे कोई आईसीसी बात करेगा ना इस पे इस पिच पे कोई और बात करेगा कि क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ किस तरह हुआ, ये कोई टेस्ट मैच की पिच थी यार, ये पिच तो बंदा क्या कहे, गली मोहल्ले में भी इस तरह की पिच नहीं बनती कि यार बॉल इधर से गुजर रहा है बाउंस हो रहा है या बिल्कुल ही बैठ रहा है, अजीब किस्म की ये खैर पेज थी। हेलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।